वेलकम टू माई चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है किडनी फंक्शन टेस्ट, या जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि किडनी को आप बायो की टर्म में रीनल भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के ऊपर लेक्चर देने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किडनी फंक्शन टेस्ट, या जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको कई एब्रीवेट करते हैं डॉक्टर RFT से या KFT से। तो अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट आई है KFTs या RFTs, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर आपसे या पेशेंट आपसे जो टेस्ट करवाना चाह रहा है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं जिसको हम चेक करके हमें पता चलता है कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, या किडनी में कोई डिफेक्ट है, तो वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक बेसिक, बस बहुत ही बेसिक सा शेयर करने जा रही हूँ किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ताकि जब हम टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये टेस्ट हम किडनी फंक्शन टेस्ट जो, या ये जो टेस्ट है ये हम क्यों कर रहे हैं किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए, यानी कि उस टेस्ट की जो 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 भी टेस्ट उसमें शामिल है वो जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किडनी का। किडनी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है, क्योंकि ये एक तरह से बॉडी की आप कह सकते हैं कि सफाई जो होती है वो इस ऑर्गन के थ्रू होती है, कि जितना भी वेस्ट जो है और स्पेशली जो लिक्विड वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू ये जो है किडनी जो है वो रेडी करती है या प्रिपेयर करती है। तो किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी क्लीनिंग है या जितना भी जो वेस्ट है वो थ्रू किडनी जो है वो प्रिपेयर होके फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, कि किडनीज आर पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। पेयर्ड का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर दो किडनी मौजूद हैं, एक किडनी मौजूद नहीं बल्कि दो किडनी मौजूद हैं, एक एक साइड पे और दूसरी दूसरी साइड पे, और ख़ासतौर पे ये पेट के पिछले हिस्से में निचली साइड पे पिछली तरफ ये मौजूद होती है। तो किडनी को जब आप काटते हैं ऊपर, जब इसका स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपकी लैब में आपको कभी दिखाया गया हो किडनी का, किसी भी किडनी का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कि जो उसका आउटर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो उसका इनर रीजन होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं, यानी कि जो उसके बाहर वाले हिस्सा जो है उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मेड्यूला बोलेंगे। ये मैंने एक बहुत ही रफ डायग्राम आपके साथ शेयर की है समझने के लिए। तो उसके अलावा अब इस किडनी के अंदर क्या चीज़ है जो मेजरली ये सारा काम कर रही होती है, मतलब फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, तो वो इसका जो किडनी का मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस करता है एक्सक्रीशन का ऑफ वेस्ट का। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, वो है नेफ्रॉन। तो हर किडनी के अंदर तकरीबन जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होती हैं, और ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये जो होता है ये फैला होता है, कुछ कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा जो है इसका मेड्यूला में मौजूद होता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो आप देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये रेड कलर के जो है कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, तो ये होता है ग्लोमेरुलस। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप चाय बनाते हैं, और क्या कहते हैं, जब चाय को आप छानते हैं ताकि पत्ती जो है वो चाय के अंदर मिक्स ना हो जाए, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये भी इसी तरह एक वो छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन जिसे हम बोलेंगे वो काम करेगा। ये क्या करेगा कि जो बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे बॉडी के ये उनको आगे नहीं जाने देगा, ये उनको फिल्टर कर लेगा, रोक लेगा, और जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेस्ट होगा ये उसको आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देगा। और उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो उसका सेकंड पार्ट है,
हाँ, और उससे पहले ये ग्लोमेरुलस को कवर किसने किया होता है? ये किया होता है बूमेन कैप्सूल, इसे हम बोलते हैं बूमेन कैप्सूल। इसने इस ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है, सी शेप स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा, जो बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम कहते हैं कि हाईली स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं, ये उनको क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगी या जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बॉडी को चाहिए होते हैं, ये उनको फिल्टर कर लेगा, यानी कि ये उनको आगे नहीं जाने देगा, और जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेस्ट होगा ये उसको आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देगा। तो इसी तरह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो भी क्या करेगा कि जो इंपॉर्टेंट होंगे प्रोटीन, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट प्रोटीन होंगी या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे या कोई भी वाइटामिन होंगे, ये उनको भी दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा, और जो बाकी वेस्ट रह जाएगा जैसे यूरिया, क्रिया, यूरिक एसिड, इस तरह के वेस्ट को ये आगे से लूप ऑफ हिंगल के थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेजेगा। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एंड पे देखेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो बिल्कुल वेस्ट है बॉडी के लिए, तो वो उसी तरह उनको कलेक्टिंग डक्ट में भेजेगा। कलेक्टिंग डक्ट से वो पेल्विस में आएंगी, और पेल्विस से वो यूरिटर में आएंगी, और यूरिटर से वो जो है यूरिनरी ब्लेडर में आपके एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो स्टोर हो जाएगा, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से नेफ्रॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अगर आप गौर कर रहे हो तो मैंने ग्रीन मार्क से थोड़ा लेबल किया हुआ है एक पोर्शन को, ऊपर वाले नेफ्रॉन के पोर्शन को मैंने लेबल किया हुआ है। तो ये मैंने इसलिए लेबल किया है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर फ्लो करता है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, तो जो इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है यानी कि जिसमें ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको कॉर्टेक्स रीजन में नजर आएगा, जबकि जो नीचे वाला लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट रीजन जो है ये आपको मेड्यूला में नजर आएगा। तो अब आपको इस स्ट्रक्चर से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसी तरह आपको फंक्शन भी समझ आ गया होगा कि तीन बेसिक फंक्शन है किडनी के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जैसे भी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फिल्टर करेगा, उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाएगी। तो बेसिकली किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वेस्ट एक्सक्रीशन कर रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर रही है और रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो रीअब्जॉर्ब होंगे जिसमें ये पोटाशियम, सोडियम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन रोल परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस में, तो ये जो है ये रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को। तो इस तरह डिफरेंट फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो किडनी परफॉर्म करती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। तो ये तो था एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी स्ट्रक्चर और फंक्शन किडनी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ कि किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से लेक्चर सॉरी कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूडेड हैं, उनमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। इन तीनों को हम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड आर वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है? वो है वेस्ट प्रोडक्ट। वो कब बनेंगी? जब न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब टूटेंगे तो वो इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि ये नाइट्रोजन कंटेन करती हैं ये तीनों, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, तो इस वजह से हम इनको नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इनकी एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। तो इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट में जो सबसे बेसिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हर लैब में, वो है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ताकि चेक करने के लिए कि जो प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो रही है वो प्रॉपरली किडनी से एक्सक्रीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन तीनों में से किसी का भी लेवल ज़्यादा होगा तो वो ज़रूर इंडिकेट करेंगे कि किडनी में कोई
प्रॉब्लम है या कौन सा हिस्सा उसका जो है वो अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है यूरिन एनालिसिस, जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। वो भी किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, क्योंकि यूरिन एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन जो है जैसे हमने पढ़ा कि वो किडनी से पूरा रेडी होके यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचता है थ्रू यूरिटर और एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर आप यूरिन रूटीन में कुछ भी देख रहे होंगे हाई प्रोटीन, या फिर आप स्पेशली एल्बोमिन जो है, और उसके अलावा अगर आप माइक्रोस्कोपी में कास्ट क्रिस्टल्स या बैक्टीरिया या पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स या रेड सेल्स, कोई भी चीज़ एबनॉर्मली हाई देखेंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा किडनी फंक्शन एबनॉर्मेलिटी को। तो इस वजह से यूरिनालिसिस जो है वो भी एक कॉमन टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट का। तो नॉर्मली जो किडनी फंक्शन टेस्ट में कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं हर लैब में, वो है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और यूरिनालिसिस। इसके बाद जो फर्दर डायग्नोसिस किए जाते हैं, जो कि कॉमनली नहीं किए जाते किडनी फंक्शन टेस्ट में लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड GFR, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि पर मिनट जो है आपका कितना ml ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करेगा, तो उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो ये भी चेक किया जाता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस और GFR रेट जो है, ये भी टेस्ट जो है ये इंक्लूड होते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट में। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी कई दफ़ा किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एक्सक्रीशन जो है वो भी थ्रू किडनी हो रही होती है, कि कितना रीअब्जॉर्ब हुआ और कितना एक्सक्रीट हो रहा है। तो उस वजह से आपको सोडियम और पोटाशियम लेवल भी अगर बॉडी में हाई आ रहा हो तो भी वो किडनी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा आता है माइक्रो एल्बुमिन, और माइक्रो एल्बुमिन में भी हम देखेंगे कि कितनी पार्ट ऑफ एल्बुमिन जो है वो यूरिन में मौजूद होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन टेस्ट को, मैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी हर टेस्ट के मुतालिक कि उसका किडनी, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इन टेस्ट का किडनी से क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये टेस्ट लैब में चेक करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जो कॉमनली टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड है वो है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिनालिसिस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस, GFR और इलेक्ट्रोलाइट्स और माइक्रो एल्बुमिन जो हैं, ये आपको अगर आपके ये फर्स्ट थ्री टेस्ट जो हैं ये हाई नॉर्मेलिटी शो कर रहे हैं, तो फिर आपको इन फर्दर टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। अब मैं आपके साथ वन बाय वन थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देती हूँ हर टेस्ट की। सबसे पहले है यूरिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे कॉमन टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्ट में किए जाते हैं वो सबसे पहले चेक किए जाते हैं ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इनको सबसे कॉमनली सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। तो अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही हो तो फिर उसके बाद हम डिटेल्स टेस्ट में जाएंगे किडनी के। तो सबसे पहले जो है वो है यूरिया। यूरिया मेकअप द मेजॉरिटी मोर देन 75% ऑफ द नॉन प्रोटीन वेस्ट एक्सक्रीटेड डेली एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो यूरिया क्या है, जितने भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेली बेस पे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो है यूरिया। यूरिया जो है वो तकरीबन मोर देन 75% जो है वो प्रोड्यूस होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन से। तो यूरिया की सिंथेसिस होती है लिवर में। आपको अगर आपने अगर देखा हो, मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ यूरिया साइकिल शेयर किया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा कि यूरिया की सिंथेसिस कैसे होती है, यूरिया जो है वो अमोनिया से का प्रोड्यूस होता है और ये पूरा साइकिल लिवर में होता है, और उसके बाद जब अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन हो जाती है यूरिया की, तो फिर वो ब्लड में के थ्रू मूव करके किडनी में पहुंचता है। तो अगर आप लोगों ने वो यूरिया साइकिल मिस कर दिया है तो आप बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जो चैनल की बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट है उसके अंदर यूरिया साइकिल मौजूद है। तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है या सिंथिसाइज होता है। तो इसके बाद क्या होता है, यूरिया सिंथिसिस होती है लिवर में, और उसके बाद किडनी इज द ओनली सिग्निफिकेंट रूट
ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूरिया लिवर में होगा उसके बाद वो थ्रू ब्लड जो है वो क्या कहते हैं वो चला जाता है किडनी में, और किडनी के थ्रू वो फिर एक्सक्रीट होता है. तो क्या होता है, इट इज रेडिली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर होके चला जाता है आगे, यानी कि ट्यूब्यूल्स में. तो उसके बाद क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में 40-60% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो नॉर्मली जब आप ब्लड में यूरिया चेक करते हैं तो हर किट की डिफरेंट रेंज होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 या 45 मिलीग्राम पर डीएल जो है वो सीरम यूरिया जो है वो नॉर्मल है. तो अगर आप हाई यूरिया किसी पेशेंट का देख रहे हैं, 75 से अबव जितना भी है, 60, 70, 80, 90, अगर इस लेवल की आप मिलीग्राम पर डीएल वैल्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो यूरिया को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर रहा बॉडी से. नेक्स्ट नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो है क्रेटिनिन. क्रेटिनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है कि मसल कंटेन करते हैं क्रेटिन फॉस्फेट. जो बॉडी मसल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्रेटिन फॉस्फेट. क्रेटिन फॉस्फेट क्या है, क्रेटिन फॉस्फेट जो है वो एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि उससे क्या प्रोड्यूस होता है रैपिडली, एटीपी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं. तो ये क्रेटिनिन जो है ये फॉर्म्ड होता है क्रेटिन से, यानी कि जो क्रेटिन है वो कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रेट होगा और साइकिल वो किसमें फॉर्म हो जाएगा, कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, वो बनाएगा क्रेटिनिन. तो क्रेटिनिन कहाँ से बन रही है, वो किसकी वेस्ट प्रोडक्ट है या कौन से प्रोटीन की वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो है क्रेटिन फॉस्फेट की. क्रेटिन फॉस्फेट कहाँ पे मौजूद होता है, मसल्स में. तो तकरीबन डेली जो है वो टोटल अप टू 20% ऑफ टोटल मसल जो है वो क्रेटिन को डिहाइड्रेट होंगे और उसके बाद वो एक थ्रू साइकिल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेस प्रोडक्ट ऑफ क्रेटिनिन में. तो क्रेटिनिन भी इसी तरह क्या होगा, फिल्टर्ड हो जाएगा ग्लोमेरुलस से, यानी कि वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके वो चला जाएगा टिब्यूल्स में. लेकिन यूरिया तो जो हमने देखा कि वो हमने बताया कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन क्रेटिनिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ट्यूब्यूल से और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. क्रेटिनिन की भी आपकी हर किट की रेंज जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है मेल्स में जो है वो 1.3 या 1.4 तक नॉर्मल होता है मिलीग्राम पर डीएल, और फीमेल्स में जो है 1.1 तक मिलीग्राम पर डीएल जो है क्रेटिनिन सीरम में फाउंड होता है नॉर्मली. तो अगर आप अबव रेशियो देख रहे हैं 2, 3, 4 point something या 5 मिलीग्राम पर डीएल, तो क्या कहते हैं वो आप शो करेंगे कि किडनी जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्रेटिनिन को एक्सक्रीट नहीं कर रही बॉडी से. नेक्स्ट जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है वो है यूरिक एसिड. यूरिक एसिड किस प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, वो होता है प्राइमरी वेस्ट ऑफ प्योरीन मेटाबॉलिज्म. प्योरीन जो न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन भी हम जिन्हें बोलते हैं. तो ये प्योरीन्स क्या हैं, ये प्योरीन्स हैं एडिनिन और गुआनिन जो कि न्यूक्लिक एसिड के मेन कंपोजिशन होती हैं. तो ये क्या होते हैं, ये एक न्यूक्लिक एसिड के ये जो कंपोजिशन है एडिनिन और गुआनिन, ये थ्रू साइकिल जब किस वेस्ट प्रोडक्ट में ये प्रोड्यूस होंगे या किस वेस्ट प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिक एसिड में. थ्रू यूरिक एसिड जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे. तो यूरिक एसिड भी क्रेटिनिन की तरह जो है वो फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस से, लेकिन फिर ये एक जाएगा कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि इसका एक साइकिल होगा जिसके थ्रू ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा टिब्यूल से और 6-12% जो है वो जो है फाइनली जो है यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट होगा बॉडी से. नेक्स्ट जो टेस्ट मैंने बताया रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए वो है यूरिन एनालिसिस, जिसे हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं. यूरिन एनालिसिस जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे जो है वो लो प्राइस टेस्ट होगा और वो सबसे ज़्यादा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे देता है आपके किडनी के मुतल्लिक, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दीज थ्री ब्लड टेस्ट यूरिन एनालिसिस इज़ वेरी लो प्राइस टेस्ट. मतलब यूरिन एनालिसिस आप जहाँ भी जाएंगे वो आपको इतना एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होगा. तो थ्रू यूरिन एनालिसिस आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. तो रूटीन यूरिन एनालिसिस जो है
उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप उसका कलर देखते हैं और उसकी क्या कहते हैं अपेयरेंस देखते हैं जो नॉर्मली देखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेते हैं, पीएच देखते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर आप क्या कहते हैं उसका प्रोटीन जिसमें हम स्पेशली जो है वो एल्बुमिन फोकस होती है, और क्या कहते हैं इसके अलावा लीकोसाइट, ब्लड और एसीटोन, ये चीज़ें जो हैं, बिलुरबिन, ये यूरोबाइलिनोजन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चेक करेंगे कि यूरिन में नॉर्मली जो है वो पस सेल 1-2 या एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं 1-2 या फीमेल में आरबीसी 0-1 इस तरह करके मौजूद होंगे। लेकिन अगर तो आपकी किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट फंक्शन नहीं कर रही, या अगर किडनी के किसी भी ऑर्गन, जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा था अगर आपको याद हो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो अगर किसी भी हिस्से में प्रॉक्सिमल टिब्यूल में या लूप ऑफ हैनल में या कलेक्टिंग डक्ट में या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कोई भी इन्फेक्शन होगा या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोई किसी भी किडनी के नेफ्रॉन के किसी भी पोर्शन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इफेक्ट जो है वो आप यूरिन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। तो वो किस तरह आप देखेंगे, आपको कास्ट नज़र आएगी, रेड सेल कास्ट, WBC कास्ट, जो मेजरली शो करती है किडनी इन्फेक्शन को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप यूरिन एनालिसिस में देखेंगे। मोस्टली जो है अदर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 750-2000 ml पर 24 आवर यूरिन, जो कि एवरेज हर पर्सन की 1.5 लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप यूरिन एनालिसिस स्पेशली किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए आप देख रहे हैं तो आप रेफर करें कि पेशेंट को आप यही बोलें कि वो मॉर्निंग सैंपल जो है वो दे इसके लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग सैंपल है वो ज़्यादा अच्छा शो कर सकता है, स्पेशली प्रोटीन एनालिसिस अगर आपने देखनी है, कास्ट वगैरह देखनी है, तो उसके लिए मॉर्निंग सैंपल जो है वो मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो ये तो थे टेस्ट, बेसिक टेस्ट किडनी फंक्शन के, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिन एनालिसिस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दूसरे टेस्ट जो हैं किडनी के जो डिटेल टेस्ट हैं, अगर आपको इन टेस्ट तमाम इन चारों टेस्ट में आपको हाईली एबनॉर्मेलिटी नज़र आई है तो उसके बाद आपकी पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर जो है वो फर्दर कौन से टेस्ट जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट में लिख सकता है। अब हम वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट टेस्ट जो किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूडेड है वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड GFR। GFR को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्यों ज़रूरी है और वो क्या टेस्ट है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनी कैन मेक क्रिएटिनिन फ्री ईच मिनट इज कॉल्ड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। यानी आसान लफ्जों में मैं आपको बताती हूँ कि एक मिनट के अंदर किडनी जो है वो ब्लड को क्रिएटिनिन से बिल्कुल साफ करके फिल्टर करके भेजती है दोबारा बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। यानी कि उस ब्लड में अब जो है वो क्रिएटिनिन मौजूद नहीं होगा। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनी कैन मेक क्रिएटिनिन फ्री ईच मिनट, तो एक मिनट के अंदर जो क्रिएटिनिन फ्री ब्लड किडनी बनाती है उसको हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच क्रिएटिनिन आर रिमूव्ड और क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन, के एक मिनट के अंदर अगर जो किडनी ब्लड को क्लियर करती है क्रिएटिनिन से और उस क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने के लिए रेडी करती है या यूरिन रेडी करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब आपके बेसिक टेस्ट पेशेंट के आप देखेंगे कि उसमें क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल हाई आ रहा है, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपको और ज़्यादा मदद करेगा ये चेक करने में कि किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। नॉर्मली जो है वो एक मिनट में किडनी कितना फिल्टर करती है क्रिएटिनिन को थ्रू, या क्लियर करती है ब्लड को थ्रू बाय क्रिएटिनिन से, तो वो होता है तकरीबन 92
या 95 से 120 ml पर मिनट, ये नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ये है उसकी वैल्यू कि 95 से 120 ml पर मिनट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं पेशेंट का रिजल्ट लो आ रहा है, अगर वो 75 आ रहा है या 50 आ रहा है और स्पेशली 29 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किडनी को कुछ ना कुछ क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज है जिसकी वजह से वो ब्लड को सही तरह फिल्टर नहीं कर रही है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस और जीएफआर जो है वो इस लिहाज से आपको और ज़्यादा मदद करते हैं ये रिज़ल्ट जानने में कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम क्यों चेक करते हैं, यूरिन क्लियरेंस क्यों नहीं चेक करते, सॉरी यूरिया क्लियरेंस क्यों नहीं चेक करते। तो यूरिया क्लियरेंस इसलिए भी नहीं चेक करते क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने भी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस किया था यूरिया और क्रिएटिनिन को, तो हमने देखा था कि जब यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में आते हैं, तो यूरिया जो है वो तकरीबन 40% दोबारा ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि क्रिएटिनिन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि तमाम की तमाम जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस वजह से क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट शो करेगा, इसलिए यूरिया क्लियरेंस जो है वो हम चेक नहीं करते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस को चेक करने का क्या फार्मूला है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम रिपोर्ट करेंगे ml पर मिनट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली 95 से 120 ml पर मिनट इसकी वैल्यू होती है। तो इसका फार्मूला है कि UCR मिलीग्राम पर dl मल्टीप्लाई बाय VUR ml पर 24 आवर डिवाइडेड बाय PCR मिलीग्राम पर dl मल्टीप्लाई बाय 1440 मिनट डिवाइड बाय 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 1.73 a। इस फार्मूले में UCR क्या है, यूरिन क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, इसमें हम यूरिन की कंसंट्रेशन भी मेजर करेंगे, क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह आप लोग सीरम क्रिएटिनिन करते हैं इसी तरह आप यूरिया क्रिएटिनिन परफॉर्म करेंगे। और VUR क्या है, यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स, इसके लिए इस टेस्ट के लिए आपको जो है वो पेशेंट का 24 आवर्स यूरिन जो है वो चाहिए होता है। और PCR क्या है, इसको हम बोलते हैं सीरम या प्लाज्मा क्रिएटिनिन क्लियरेंस सॉरी कंसंट्रेशन, ये आप मेजर करते हैं। और 1.73 डिवाइडेड बाय ए जो है वो क्या होता है, वो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ फॉर बॉडी सरफेस एरिया। 1.73 जो है वो जनरली एक्सेप्टेड एवरेज बॉडी सरफेस ए है इन स्क्वायर मीटर, जबकि ए जो है वो क्या है, वो एक्चुअल बॉडी सरफेस एरिया है किसी हर इंडिविजुअल का, जो कि उसके हाइट और वेट के मुताबिक एक एवरेज निकाली गई है। तो ये इस वजह से 1.73 ए जो है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है बॉडी सरफेस एरिया का। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट करेंगे, और ये याद रखें कि 95 से अबव होगा तो वो नॉर्मल है, इसका मतलब है किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है और वो प्रॉपरली क्लियर कर रही है ब्लड को थ्रू क्रिएटिनिन और एक्सक्रीट कर रही है क्रिएटिनिन को थ्रू यूरिन। और अगर लो, जितना लो रिजल्ट आएगा उतना ही ये शो करेगा कि किडनी को हाईली कोई कुछ ना कुछ डिजीज है जिसकी वजह से वो क्रिएटिनिन को बॉडी से क्लियर नहीं सॉरी ब्लड से क्लियर नहीं कर पा रही। और GFR को भी हम ml पर मिनट में रिपोर्ट करते हैं, और GFR इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाता है 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय SCR मिलीग्राम पर डीएल, जैसा कि SCR क्या है, सीरम क्रिएटिनिन। और अगर आप किसी फीमेल का GFR कैलकुलेट करें तो आप उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि मेल्स की किडनी जो है वो वेट में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और फीमेल्स की जो है वो लेस इन वेट होती हैं। मेल्स की जो किडनी का वेट होता है वो तकरीबन होता है 170 ग्राम होता है, जबकि फीमेल्स का जो होता है वो किडनीज का वेट होता है 115 से 155 ग्राम इन फीमेल्स का वेट होता है।
तो जी एफ आर नॉर्मली आप मतलब चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे भी, आप जो नेशनल किडनी फाउंडेशन है उसमें आप जाए, उस वेबसाइट में जाएं तो आपको सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन रिजल्ट जो है उसके अंदर फीड करना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली जी एफ आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस और जी एफ आर ये कैलकुलेट करते हैं, ये हम टेस्ट करते हैं डिटेक्शन में, स्पेशली अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसकी डिटेक्शन में के लिए ये दोनों टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। और जो टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो उसमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, माइक्रो एल्बुमिन। सोडियम जो है और पोटाशियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि आपको पता है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड में मौजूद होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटाशियम, जैसा कि आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन जो सोडियम है वो सेल के आउटसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद सबसे ज़्यादा होता है वो सोडियम है, और पोटाशियम जो है वो सेल के इनसाइड जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है इलेक्ट्रोलाइट वो पोटाशियम है। तो इस वजह से ये दोनों जो है, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखते हैं चेक करने के लिए। तो सोडियम और पोटाशियम भी जो है ये दोनों बॉडी से एक्सक्रीट जो होती है, इनकी एक्सक्रीशन जो होती है ये थ्रू किडनी ही होती है, तो इस वजह से ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं आरएफटीज में चेक करने के लिए। सोडियम जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरली एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, कैटायन है, और दूसरा ये कि इसकी, यानी कैटायन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ये कि ये सेल के आउटसाइड में मेजरली मौजूद होता है और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनी। जैसे कि आपको याद हो किडनी के फंक्शन जब हमने पढ़े थे तो इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जैसे सोडियम पोटाशियम, ये जो है ये ग्लोमेरुला से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, और ट्यूब्यूल्स में फिर कुछ अमाउंट इनकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो सोडियम अगर का जो बॉडी में बैलेंस या मेंटेनेंस होता है ये जो कंट्रोल किया जाता है थ्रू एक्सक्रीशन, यानी कि अगर सोडियम प्रॉपरली एक्सक्रीट हो रही होगी तो ही इसका बैलेंस बॉडी में रहेगा, वरना इसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर कैटायन है, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये सेल के अंदर मौजूद होता है, और सोडियम की तरह ये भी फिल्टर होता है, फ्रीली फिल्टर, यानी कि ये ग्लोमेरुला से फिल्टर होके और फिर ये एब्जॉर्ब होता है थ्रू आउट नेफ्रॉन, यानी कि ट्यूब्यूल्स में ये एब्जॉर्ब होता है और फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा जो हम टेस्ट करते हैं वो है माइक्रो एल्बुमिन। माइक्रो एल्बुमिन किसको बोलते हैं कि अगर माइक्रो एल्बुमिन क्या बताता है, माइक्रो एल्बुमिन ये बता रहा है कि यूरिन के अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन मौजूद होती है। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे मेजर टाइप जो है वो एल्बुमिन है, तो ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स या अगर कोई भी किडनी डिजीज़ का रिस्क हो तो उसमें माइक्रो एल्बुमिन को चेक किया जाता है। कई दफ़ा माइक्रो एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो भी चेक की जाती है, वो क्या होता है कि एल्बुमिन की रेशो कितनी है यूरिन में और क्रिएटिनिन की रेशो कितनी है, तो उसको हम माइक्रो एल्बुमिन रेशो बोलते हैं, माइक्रो एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो बोलते हैं। तो ये थे तमाम टेस्ट जो कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट में करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेक किया जाता है डेली बेस पे या रेगुलर रूटीन बेस पे जो किडनी फंक्शन टेस्ट है उसमें नॉन प्रोटीन कंपाउंड, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड जो हमने डिस्कस किए, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, और उसके अलावा यूरिन डायलिसिस जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये मेजरली किए जाते हैं आरएफटी में। उसके अलावा बाकी अगर आपकी किडनी, उसके अलावा अगर किडनी उन रिजल्ट्स में या कोई भी स्कैनिंग या किसी भी डिजीज़ में डायरेक्ट अगर कोई डिजीज़ शो हो रही है किडनी की है तो उस सूरत में जो है ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जीएफआर शामिल है, और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और यूरिन एनालिसिस शामिल है। इसके अलावा और अगर स्पेशलाइजेशन में चले जाएँ तो जैसे कई हार्मोन, जैसे कि आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के आउटसाइड वो मौजूद होता है टॉप पे, तो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, तो उन एलिमेंट्स को भी चेक किया जाता है। लेकिन जो बेसिक हैं वो ये तमाम टेस्ट हैं जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट में शामिल हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया और नॉलेज मिला होगा किडनी फंक्शन टेस्ट के मुतल्लिक।
Thank you so much. Have a bright and blessed future to all of you.